हमारे साथ हमारे पार्टी के नेता राजमहल संसदीय क्षेत्र के युवा और लोकप्रिय प्रतिनिधि विजय हालदा जी हैं। आज हम लोग दोनों इसलिए आए कि आज का दिन बहुत बड़ा, पहले विजय जी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में आज जो फैसला आया उस पर बोलेंगे और मैं ईडी की जो साजिश है उसका एक परत आज पहला खोलूंगा और अनवरत एक के बाद एक तथ्यात्मक कागजों के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होता रहा। मैं पहले विजय जी से अनुरोध करूंगा कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें पार्टी की प्रतिक्रिया हमारी जो है उसको व्यक्त करें। जवाब साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो बयान आया है मुझे लगता है कि एक आई ओपनर है पूरे देश के लिए कि लगातार जिस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत की कल्पना या बात रखी जा रही है उनके द्वारा ही एक ऐसा हिडन एजेंडा जिसमें कि आज सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना पड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स है इसको लेकर के पहले भी कई सवाल उठे और आखिर में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए जो एसबीआई ने डेट दिया था जून का उसे बोला गया है कि तुरंत वो पेश करें और मुझे लगता है कि इस इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के माध्यम से अगर इसकी पीछे की कहानी अगर देखी जाएगी तो एक तरह से सोची समझी एक्सटॉर्शन पूरे देश के अंदर और जिस तरह से पावर के मिसयूज को लगातार केंद्र कर रही है उसका भी आप कह सकते हैं ये एक जरिया जिसके माध्यम से बीजेपी सरकार ने अपने सरकार में रहते हुए इन इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स के माध्यम से एक बहुत बड़ा रकम कई कंपनियों द्वारा अपने यहाँ अर्जन किया जो कि मैं कह सकता हूं कि अब इन द ओपन आना चाहिए। बहुत समय से इस चीज की हम लोग मांग कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज फैसला लिया है उसका हम स्वागत करते हैं। अब साथियों, जो चुनावी चंदा और जो एजेंसी का दुरुपयोग ये तो हम सबने अब देख लिया। चुनाव के वक्त जब प्रधानमंत्री जी खुद उम्मीदवार जो खबर आ रही है कि वो चुनाव को जो संचालित करेंगे उनको नियुक्त करेंगे आगामी दौरे पर, अब प्रत्याशी ही तय करेगा कि जैसे दूध का रखवाली के लिए बिल्ली को बैठाया जाता है उसी तरह वोट की रखवाली में मोदी जी बैठेंगे तो हाल क्या होगा आप लोग जानते हैं। पूरा खेल था ईडी का यहां पर जल जंगल जमीन और जानवर के ऊपर कब्जा करने, उस पर जब हेमंत बाबू ने रोक लगाई तो कहानी गड़ा गया। बड़गाई मौजा का एक भूहेरी जमीन कुछ सामने लाया। आप लोगों को मालूम ही है कि वो जमीन ये जो खेवट है मेरे पास ये सारे कागज आपको उपलब्ध होते हैं। ये जो खेवट
इसमें राजकुमार पाहन का जमीन बताया गया, उनकी पहनाई जमीन की जमींदारी को स्पष्ट की। अब ये जमीन उनके हाथ में ही आज भी है। इस बीच उन्होंने 2015 में इस पूरे 8.5 एकड़ जमीन को हिलारियस कच्छप को लीज में रजिस्टर्ड डीड के द्वारा दिया। उसका भी ये रजिस्टर्ड डीड है। ये रजिस्टर्ड डीड है जिसमें उनका फोटो, उनका सब कुछ है। हिलारियस कच्छप ने इस जमीन को खेती के लिए लिया और उसके लिए उन्होंने बिजली विभाग को बकायदे ये फॉर्म भरा था बिजली के लाइन के लिए। बिजली का केवल लाइन नहीं, उनको मीटर भी उपलब्ध करवाया गया और समय समय पर उनके द्वारा बिल भी भुगतान हुए। ये देखिए, ये उनका आधार कार्ड भी दिया गया। मैं बिल का आपको पूरा कागज दूंगा जो वो बिल को जमा करते हैं। ये बिल का कागज, ये सारी कागज आपको उपलब्ध होंगे। तो आप सवाल ये उठता है, जैसे SBI का आज पोल खुला, अब ED का भी पोल खुलना शुरू हुआ। अब ED भी स्पष्ट रूप से समझ गई है कि उनके साजिश में जो अदानी का और मोदी जी का जो प्लान था, जिसको एग्जीक्यूशन अमित शाह जी ने किया ईडी के द्वारा, वो किस धरातल पर है। ईडी की सच्चाई अब डॉक्यूमेंट के तौर पे हम लोगों के पास उपलब्ध है। तो 2008-09 से उस पर कहां से हेमंत सोरेन जी गए, ये समस्या पड़ेगा। 2015 में उसका लीज रजिस्टर्ड होता है, उसके हाथों में जाता है, वो बिजली विभाग को कहता है, आवेदन करता है, बिजली विभाग वहां पर मीटर लगाती है, हर माह का बिल भेजती है, वो बिल का भुगतान भी करता है। तो जमीन हेमंत सोरेन का है, ये कौन सा नाटक हो। ये गंभीर मुद्दा आज हम लोग आपके माध्यम से उठाना चाहते हैं। कि उस जमीन पर ईडी का जो क्लेम है, यह एक परसेप्शन बनाया गया, एक कर्मचारी को लेकर घुमा गया, तरह तरह की सूचनाएं आप लोगों तक दी गई, उसका आधार क्या है, जबकि कागज दूसरा कुछ कहता है। और सब कुछ मर सकता है लेकिन सरकारी दस्तावेज कभी नहीं। खाता खेवट खतियान कभी नहीं मरता।
ईडी सीबीआई हो, आईटी हो, सीबीसी हो, डीआरआई हो, अब एसबीआई, इन सबका जो नेक्सस है और ईसीआई तक हो, क्योंकि अब ईसीआई को तय करेंगे प्रधानमंत्री जी, गृहमंत्री जी, जो दोनों भाजपा के अधिकृत उम्मीदवार हैं, दोनों तय करेंगे किस तरह से फर्जीवाड़ा किया जाए चुनाव में। उनके सांसद कहते हैं कि हम 400 पार इसलिए जाना चाहते हैं ताकि संविधान को बदल दें। तो आज ये लड़ाई केवल हेमंत सोरेन की नहीं, आज ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की, देश के लोकतंत्र को बचाने की। आज बताना चाहिए चुनाव आयोग को और ईडी को भी कि आपने जिनको जिनको आपने छापा मारा, सीबीआई, आईटी, ईडी, वैसे उद्योग घराने पिछले 6 महीना में कैसे 335 करोड़ रुपए भाजपा के खाते में डाले।